हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। मतलब गर्मियां ही आते ही क्या है, सबकी स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज सर्दियां एक ऐसा टाइम है जब आप स्किन आपकी काफ़ी फ्लॉलेस लगती है, लेकिन गर्मी आते आते जो यूवी रेसेस हैं वो पूरी तरह से स्किन को बेकार कर देते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं स्किन में, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि फेस पे नेचुरली हमारे दिखती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है बिकॉज मैं एज पे सर्वाइव करती हूँ और मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये नेचुरल लाइट है पूरी, कोई भी लाइट ऐसी नहीं है और जस्ट लिप कलर ऐड किया है, फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है। मैं आपको यहाँ पे मतलब डायरेक्टली दिखा रही हूँ, कोई मेकअप नहीं है बिकॉज इस चीज़ ने मेरे स्किन को काफ़ी फ्लॉलेस बना रखा है। मुझे जो है जल्दी जल्दी सनबर्न की दिक्कत नहीं होती, यूवी रेसेस मेरी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती बिकॉज ये प्रोटेक्ट रखती है मेरी स्किन को। साथ ही साथ मुझे ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आप मेरे फेस पे देख सकते हैं ऐसा क्या क्यों होता है वो भी मैं आपको जरूर रीज़न बताऊंगी, और मैं ऐसी क्या चीज़ यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनकी शादी होने वाली है या फिर एंगेजमेंट होने वाली है या फिर उनको कोई शादी अटेंड करनी हो, उन सबकी रिक्वेस्ट भर भर के आ रही थी तो ये वीडियो मुझे बनाना ही पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ये वीडियो मैं आज ही मतलब बना लूँ, और ये चीज़ आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी अमेजोन पे, नायका पे, इवन आपको इसकी साइट पे भी ये चीज़ मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको प्रॉपर बताऊंगी कि इसको कैसे करना है, किस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा और ऐसा क्यों है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी पे आकर टिक जाती हैं कि ऐसा क्या है इसमें कि ये चीज़ इसकी इतनी ज़्यादा मुझे फ़ायदा करती है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है न्यूट के न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट जो कि कैरेट सीड्स हाइड्रेटिंग लोशन है एंड कैरेट सीड्स फेस वॉश है, और ये समर स्पेशलिस्ट है बिकॉज ये हमें यूवी रेशेस से बचाएंगे, यूवी रेशेस से होने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाएंगे बिकॉज इसमें कैरेट सीड्स हैं जो कि विटामिन ए का मतलब मैं बोलूँ पावर हाउस है। ये हमारी स्किन में होने वाले ब्रेकआउट्स से हमें बचाएगा, हमारी स्किन पर यूवी रेशेस की जितनी भी हार्शनेस है उससे बचाएगा, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, ब्राइटनिंग बनाएगा। और मैं बोलूँ तो मुझे इसने काफ़ी सूट किया है बिकॉज गर्मियों में मुझे भी स्किन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है मुझे काफ़ी इसने फ़ायदा पहुँचाया है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ बिकॉज इसमें कैरेट सीड हाइड्रेटिंग कैरेट सीड्स हैं और विटामिन ए हमारी स्किन को काफ़ी स्मूथ बनाएगा, काफ़ी शाइनी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रिकमेंड भी कर रही हूँ कि एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा बिकॉज मुझे इसने काफ़ी बेनिफिट दिया है और आपको भी ये मतलब आई एम श्योर कि आपको भी ये काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। सो फ्रेंड्स, न्यू की ये जो कैरेट सीड्स की रेंज है यानी कैरेट सीड्स फेस वॉश एंड कैरेट सीड्स हाइड्रेटिंग लोशन की, ये सारे इनके न्यू लॉन्चेस हैं और जब से ये मेरे पास आए हैं मैं रेगुलर बेसिस पे इन्हें यूज कर रही हूँ। मुझे इसने काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी पूरा डेमो देके, यानी कि इसका वॉश फेस वॉश करके देन इसका लोशन भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में है बिकॉज मेरी सुपर ड्राई स्किन है, वो चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, मेरे लिए ड्राइनेस हमेशा ही मेरे फेस पे रहती है, लेकिन इसने मुझे काफ़ी हाइड्रेटिंग रखा है। बिकॉज मोस्टली क्या होता है गर्मियों में वरना आपके चेहरे का ग्लो चला जाता है, वो यूवी रेसेस की वजह से हो या फिर बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि जब से मेरे पास आया है मैंने उसके नेक्स्ट डे से इसे लगाने स्टार्ट कर दिया है तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मैं ये बोलूँगी कि न्यूट के ये जो न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट है मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ आप लोगों के साथ इसका प्रॉपर वीडियो मैं शेयर करूँ। तो जस्ट आपको इसका जो कलर भी है जस्ट लाइक कैरेट की तरह है, रेड रेड, और आपको जस्ट लाइक जैसे आप फेस वॉश करते हो आपको वैसे वॉश करना, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका।
तो आप देख सकते हैं आफ्टर वॉश मैं अगर 5 मिनट यहाँ खड़ी भी रहूँ तो, वरना क्या होता है मोस्टली कि जब आपकी स्किन ड्राई होती है और फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन पूरी वाइट होने लगती है, लेकिन मुझे ये न्यूट का जो ये फेस वॉश है इसके साथ मुझे ऐसी दिक्कत नहीं हुई। कोर्स एक तो मैं बोलूँ ये काफ़ी माइल्ड है और हाइड्रेटिंग भी है, फेस वॉश भी है, लोशन भी है, तो फेस को जो है बिल्कुल भी हार्शनेस नहीं देता। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी, ये नहीं कि जस्ट फेस को पूरी तरह से मतलब मैं बोलूँ क्या मैं बोलूँ कि बिल्कुल हार्श वो नहीं कर देता है फेस पे, कि जस्ट आप वॉश करके खड़े हो और फेस वाइट हो जाए, नहीं, एक क्रीमी टेक्सचर में आपके फेस को ये वॉश करता है। देन चलिए आपको दिखाती हूँ मैं इसका लोशन भी। आफ्टर वॉश माय फेस विद न्यूट की कैरेट सीड्स फेस वॉश है, देन मैं अप्लाई करती हूँ ये इसका हाइड्रेटिंग लोशन, दिस वन, देख सकते हैं इसका कलर भी, और इसको आपको अप्लाई करना है मतलब ये नहीं कि जस्ट लाइक क्रीमी क्रीमी भी है, फेस बिल्कुल आपका ऑयली लग रहा है, नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकंड चीज़ बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है कि बहुत क्रीमी क्रीमी ऑयली रहे, और साथ ही साथ एक ही स्मूथनेस भी देता है। सेकंड चीज़ मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि ड्राइनेस जो है वो नहीं रहती है, बहुत ही अच्छा पीएच बैलेंस मेंटेन करता है मेरी स्किन का। तो मैं यही बोलूँगी कि मैंने ट्राई कर लिया है, आप भी ट्राई करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके चेकआउट कर लीजिए। दिस फेस वॉश जेंटली क्लींस ऑल द इम्प्योरिटीज़ फॉर माय फेस, लीविंग स्मूथ एंड रिफ्रेश्ड स्किन, एंड द लोशन, ये जो लोशन है, डीपली पेनिट्रेट इनटू माय स्किन एंड कीप्स माय स्किन हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइज फॉर अप टू 48 आवर्स। तो आप समझ सकते हैं कि 48 आवर्स तक मेरी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, मुझे सूरज की किरणों से भी काफी अच्छे से बचाता है, और साथ ही साथ मेरे पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, बिकॉज स्किन के लिए पीएच बैलेंस मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको पर्सनली इसे रिकमेंड करूंगी कि आप मतलब जरूर ट्राई करिए, मस्ट ट्राई करिए आप इसे। आपको न्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, एंड ऑल्सो अवेलेबल अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नायका एज वेल, सो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इसके अंदर जाने की, तो मैं आपको इसके अंदर की भी सारी चीजें दिखाना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं न्यूट के प्रोडक्ट्स की पैकिंग की मैं बहुत बड़ी मतलब दीवानी हूं, मुझे इनके पैकेजिंग बहुत ही पसंद है, और आप सबको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बहुत ही जरूरी होता है कि इंप्रेशन भी आपको देखने से पता चल जाता है कि ये लग्जीरियस प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये लग्जीरियस प्रोडक्ट है और मुझे ये काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी इसका रिव्यू शेयर किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके जो है फेस वॉश की तरफ चलूंगी। आप देख सकते हैं जस्ट लाइक जैसे कैरेट का जो कलर होता है सेम इन्होंने वही कलर इसमें दिया हुआ है। इसमें पाउच दिया हुआ है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये इसमें जो है प्रोटेक्टर दिया हुआ है, लॉक सिस्टम, कि ये इस तरह से जाके बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ये इस तरह से निकाल के आप इसको इस तरह से करके इसमें रख लीजिए और कहीं भी आराम से घूमने आप जाइए। तो ये मैं इसका आपको इसका लोशन भी दिखाना मतलब फेस वॉश भी दिखाना चाहूंगी। आप इसके कलर से ही समझ गए होंगे कि इसमें जो है ये पावर हाउस है विटामिन ए का। इसमें कैरेट का जो कलर है वो पूरी तरह से इसमें दिया हुआ है और बहुत ही नरिश रखता है हमारी स्किन को। तो ये इसका फेस वॉश है और इसकी स्मेल मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी है। तो ये है इसका फेस वॉश। देन इसके बाद हम चलते हैं मॉइस्चराइजर की तरफ। तो फेस वॉश की बात हमने कर ली, अब हम चलते हैं। हाँ, फेस वॉश का प्राइस भी मैं आपको बता दूं 600 है। एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार आप देख भी लीजिएगा कि कितने का है, क्या है सारी चीज़ें। वैसे तो मैंने आपको इसका रेट बता ही दिया है, और स्पेशली इसका नाम ही है कैरेट सीड फेस वॉश, तो इसमें कैरेट जो है वो पावर हाउस है विटामिन ए का। देन सेम पैकेजिंग आपको इसके मॉइस्चराइजर में मिलेगी, और मॉइस्चराइजर मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज मेरी सुपर ड्राई स्किन है, लेकिन इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी सुपर ड्राई होने नहीं दिया, बिकॉज ये 48 आवर्स तक अपनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, और गर्मियों में सबसे ज्यादा स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर की मैं बात करूं, मुझे काफी पसंद है इसका टेक्सचर, ये देख सकते हैं आप, और अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब भी बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए आपकी स्किन को इतना ज्यादा हाइड्रेट रखता है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन किस तरह की है,
इस तरह से बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है। तो मैं लास्ट में आपको यही रिकमेंड करूंगी कि एक बार न्यूट का कैरेट सीड्स फेस वॉश एंड कैरेट सीड्स हाइड्रेटिंग लोशन जरूर ट्राई करिए, आप अपनी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे बिकॉज ये इतना ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा और लिंक सारे नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें जो है एक बार जरूर ट्राई करनी है अगर इन सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं। और गर्मियों में मतलब स्किन की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, लेकिन अगर आपको स्किन अपनी फ्लॉलेस रखनी है, ग्लोइंग रखनी है, तो आपको ये चीज़ जरूर यूज़ करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैं ऐसी चीज़ों का ही रिव्यू करती हूँ जो कि मुझे काफ़ी सूट कर रही है। और मेरी स्किन सुपर ड्राई है, लेकिन ये ऑल इन स्किन टाइम सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।